नमस्कार। बीसीएन न्यूज के चुनावी महासंग्राम 2024 में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जवान किसान पार्टी के सूबेदार श्री गुणवंत सोमकुंवर इनसे, जो कि अध्यक्ष है नागपुर शहर के, और लोकसभा का रंग जो है छिड़ चुका है, दिगुल बच चुका है। और भारत में ये जो 18वीं लोकसभा का जो है इस बार चुनाव हो रहा है, और इसी श्रृंखला में हम उनसे बात करने वाले हैं, क्योंकि वो भी नागपुर लोकसभा से जो है सीट पर अपना दावा कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपके जो पार्टी का नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी, तो इसमें जवान और किसान ये दो शब्द है, तो मुझे जहां तक आपके पार्टी के बारे में पता है तो इसमें ज्यादातर पूर्व सैनिक है। क्या जरूरत आन पड़ी है कि पूर्व सैनिकों को और किसानों को भी राजनीति में आना पड़ रहा है और अपनी अलग पार्टी यहाँ बनानी पड़ रही है? इस पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या बताओगे, और इसकी स्थापना कब और कैसे की गई है? जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय संविधान। मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुंवर, भारतीय जवान किसान पार्टी नागपुर शहर अध्यक्ष हूं, और हमारी भारतीय जवान किसान पार्टी पूरे देश में अपने उम्मीदवार लोकसभा के लिए उतार चुकी है। विदर्भ में भी हमारे 10 उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र में भी तकरीबन पूरे उम्मीदवार हो चुके हैं। जैसे आपने अभी हमें सवाल पूछा कि क्या जरूरत पड़ी राजनीति में आने की देश सेवा के साथ साथ, बात ऐसी है कि देश सेवा, राजनीति भी देश सेवा है। अगर हम भारतीय जवान और किसान, अगर जवान देश की रक्षा करता है तो किसान हमारा अन्नदाता है। देश का हर एक नागरिक हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आज का जो देश का माहौल है आप सभी जानते हैं, चुनाव सामने है, अभी लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा है, फिर प्रभाग पद्धति आएगी। हमारे सैनिक दूर दराज इलाकों में रहकर, सियाचिन ग्लेशियर जैसे -45 डिग्री में रहकर आज भी दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाने के लिए तैयार है। कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे बोरवेल में कोई बच्चा गिरे, चाहे कोई भी इमरजेंसी के लिए हम लोग 24 घंटे तैयार रहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो हमारे मन में ये विचार आया है सेना के, कि जब हम देश में ये सारी सुरक्षा, सारी सेवा हम दे सकते हैं, तो क्यों ना हम देश में राजनीति में आकर एक स्वच्छ, सुंदर और अच्छी एक राजनीति की छवि निर्माण करें। हमारे सैनिक प्रामाणिक है, ईमानदार है, पढ़े लिखे हैं, तो क्यों ना हम संविधानिक अधिकार से वंचित रहकर और चुप बैठकर अच्छे से अच्छा संवैधानिक अधिकार का हम इस्तेमाल करके हम राजनीति में आए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि स्वच्छ राजनीति के लिए आप राजनीति, ये पार्टी बनाई गई है भारतीय जवान किसान पार्टी, लेकिन क्या आपको लगता है अगर आप चुनाव लड़ते हैं लेकिन उतना आपको अगर संख्या बल नहीं मिलता है, तो आपके ओर से जो है मंत्री पद या जो भी आप वो नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या आप किसी, मतलब महाविकास आघाड़ी हो, महायुति हो, इनके साथ भी जाना चाहोगे? मतलब ऐसा कुछ आपका एजेंडा है, ऐसा कुछ आपने तय किया है? ये तो चुनाव के बाद हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कार्यकारिणी समिति है, ये सब हम बैठ के, कोर कमेटी बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे वाली, आने वाली परिस्थिति क्या है। हो सकता है देश हमें बहुमत दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि आज युवा हमारे साथ है, महिलाओं का बड़े बड़े ग्रुप हमारे साथ है, देश के आदिवासी जो किसान भाई और हमारे जो माजी सैनिक, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, उनके परिवार भी हमारे साथ है। हमें पूरा भरोसा है कि वो भी हमें अच्छे से अच्छे मतों से चुनकर देश में राजनीति में आने के लिए हमें प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल, आप भी एक उम्मीदवार हो, कैंडिडेट हो लोकसभा चुनाव के, और आपका निर्वाचन क्षेत्र जो है लोकसभा का ये नागपुर है, जहाँ से दिग्गज नेता, भाजपा के दिग्गज नेता जो है नितिन गडकरी यहाँ से लड़ते हैं और लड़ भी रहे हैं इस बार भी, उनके विरोध में आपकी ये जंग होगी, तो किस तरह से आप इस जंग में उतरने वाले हो, किस तरह से ये चुनाव की रणनीति आपकी पार्टी द्वारा बनाई गई है? भारतीय जवान किसान पार्टी
कि हमारे पदाधिकारी जो है वरिष्ठ पदाधिकारी है, कार्यकारी अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर वो कहते हैं मुझे कि सोमकर जी आप नागपुर से चुनाव लड़िए, तो मैं बिल्कुल पूरी तरह तैयार हूँ। क्यों कि नागपुर का ही हूँ, नागपुर की हर एक समस्या से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तो मैं बिल्कुल पूरी तरह तन मन धन से तैयार हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि पहले सूची में जब नाम गडकरी जी का नहीं आया था, तब पूरा जन समुदाय हो, विपक्ष हो, इनकी ओर से उन्हें समर्थन मिल रहा था, ऐसे में अब क्या लेकर जनता में जाओगे वोट मांगने के लिए, क्या बताओगे जनता में? देखिए, विदर्भ के अंदर नागपुर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह स्थान है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इस बात का इतिहास गवाह है, विदर्भ का एक एक विदर्भवादी गवाह है, एक एक नागरिक गवाह है कि इन्होंने विदर्भ को अभी भी पिछड़े तौर पे रखा है, उसका जो बैकलॉग है अभी तक पूरा नहीं हुआ, विदर्भ के युवाओं को रोजगार नहीं है, विदर्भ के किसान प्रत्येक पर डे एक किसान आत्महत्या का एवरेज है, किसानों के परिवार, किसानों के बच्चे, उनकी फसल आज भी सुरक्षित नहीं है, हमारे आदिवासी भाई जो विदर्भ के हैं वो भी आज सुरक्षित नहीं है, उनका जल जमीन जंगल ये सारी चीजें आज भी सुरक्षित नहीं है, वो भी आज हालात में परेशान इन लोगों से। रही बात नागपुर की, तो नागपुर में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से हालात बने हुए हैं। मिहान में जाके देखिए आप, बाहर की कंपनियां कुछ आई थी, रोजगार की आस लगा के हमारे युवा तैयार बैठे थे नागपुर शहर के, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बिल्कुल कुशल है, जिसको बोलते हैं ना हम कि एक स्किल वाले युवा हमारे विदर्भ नागपुर में है, लेकिन उनको लेने वाला कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई बड़ी बड़े प्रोडक्ट या बड़े बड़े कारखाने नहीं है। आज हमारे बच्चे पढ़ के लिख के अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करके क्लास वन बोलो फर्स्ट क्लास फर्स्ट में आके कहा जाते हैं आज आउट ऑफ नागपुर, आउट ऑफ विदर्भ जाते हैं, बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं वो पैसा कमाने के लिए, क्योंकि माँ बाप कर्जा करके उनको पढ़ाते हैं सिखाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, बाहर भी जाके 20-20 हजार रुपए वो लोग नौकरी कर रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या घर भेजेंगे, क्या माँ बाप को पालेंगे। इस कारण से आज देखिए विदर्भ में अनाथ आश्रम भी बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर, क्योंकि माँ बाप बच्चों की आस लगा के बैठे हैं, बेटा बाहर बैठा है वो कमा रहा है, भेजता नहीं भेजता, आज उनको बच्चों बाहर है, माँ बाप को कौन देख रहा है, बहुत ही परेशानी की बात है। मिहान में रोजगार नहीं है, बाहर के लोग रोजगार कर रहे हैं, नागपुर शहर में आप देखिए मेट्रो बना, बड़े बड़े ब्रिज बने, और आप देखिए कहीं जाके कहीं गड्ढे खुद रहे, कहीं पुराने ब्रिज गिरे जा रहे, नए ब्रिज की तैयारी शुरू है, यानी इतना प्रॉब्लम है। स्लम एरिया देखिए नागपुर का, अभी तक पट्टे नहीं हो पाए पूरे, उनकी सुविधा नहीं मिली स्लम को, खराब पानी आ रहा, टैंकर मुक्त, हम बोलते कि नागपुर शहर टैंकर मुक्त होना चाहिए, आज भी नहीं हुआ है, सब लोग टैंकर पे, स्लम वाले टैंकर पे निर्भर है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम महाराष्ट्र की विदर्भ राजधानी बोलते हैं इसको, और महाराष्ट्र की राजधानी बोलते हैं नागपुर, नागपुर जैसा होना चाहिए नहीं हुआ। और दूसरा, हमारे जो नागपुर शहर के बड़े नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका एक सपना था, उस सपने में हम भी बड़े खुश हुए थे कि नाग नदी को मैं साफ करा के उसमें नाव चलाऊंगा, ताकि अंबाझरी से नाव चलेगी तो इधर का एक होने से पूर्व पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, तो वो सपना भी उनका पूरा नहीं हुआ, ना वो कर सके। वो डंपिंग यार्ड देखिए कितना कचरा है, कितनी बदबू आती है, कहीं उन्होंने भी वादे किए थे डंपिंग यार्ड के लिए कि हम इससे बिजली बनाएंगे, लोगों को बिजली देंगे, ऐसा कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। इसलिए विदर्भ की जनता भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनसे नाराज है, विदर्भ के नेताओं से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अभी विदर्भ की जनता इनके भुलावे में, इनके वादों में और इनके इरादों में, इनके झांसे में नहीं आने वाली है, वो नक्की पक्का नया विकल्प ढूंढेगी। बिल्कुल, जिस तरह से आप अभी लोकसभा चुनाव का माहौल देख रहे हो, उससे पहले हम देख रहे हैं कि देश भर में ईवीएम का विरोध हो रहा है, आप ईवीएम के समर्थन में हो या विरोध में, क्या बताओगे आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, हमारी पार्टी ईवीएम के 100% विरोध में है। आप देखिए देश दुनिया की बात कीजिए, आप जहां जहां ईवीएम थी दुनिया में, बड़े बड़े कंट्रियों में सबने ईवीएम निकाल के फेंक दिया। जो महाशक्ति अमेरिका, उसके राष्ट्रपति की भी स्टेटमेंट आई थी बीच में, ईवीएम इज नॉट गुड, इट इज हार्मफुल फॉर पब्लिक, और उन्होंने भी निकाल के, आज वो भी बैलेट पे उनका मतदान शुरू है। तो हमने देश में ईवीएम तो निकाल के
छोड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, जब जनता की तो बात माननी चाहिए, संविधानिक जो संविधानिक अधिकार है, जनता जो बोलती है, सरकार ने समझ लेना चाहिए उस बातों को। और एक बात मैडम, मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, मैं देशवासियों से, विदर्भ की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, मजदूर परेशान है, रोजगार नहीं है, व्यापारी परेशान है, धंधे पानी नहीं है, युवा लोग परेशान है, नौकरी नहीं है, काम धंधे नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इधर से उधर हो चुकी है, कारपोरेट जगत का राज है, किसान भी परेशान है, उसको एमएसपी नहीं मिल रही है, उतनी अनाज रखने की सुविधा नहीं है, वो अनाज उगाता है पानी में बह जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, हमारे देश के जवान वो भी परेशान है, तो फिर इनको वोट डालता कौन है देश के अंदर? ये कैसे कहते हैं कि एकदम 400 पार? ये अभी तक बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। बिल्कुल, अब लोकसभा चुनाव है तो आपके पार्टी द्वारा, मतलब भारतीय जवान किसान पार्टी द्वारा कौन सा एजेंडा बनाया गया है, क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? जी, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है, देशवासियों के लिए है, हम सैनिक है, किसान है, जवान है, सारे देश के लोग आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं और तैयार है। हम चाहते हैं देश में सर्वधर्म समभाव बना रहे, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, उसके बाद हम चाहेंगे कि जो टोल है, आज देखिए टोल में बहुत ज्यादा लूट मची हुई है, टोल मुक्त भारत हो, और टोल मुक्त भारत के साथ जो कोर्ट में देखिए कितने कितने मामले प्रलंबित है, सालों से लोग जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं लेकिन निर्णय लगता, हम वो भी, हमारी पार्टी ये भी चाहेंगे अगर सत्ता में आते हम लोग तो जल्दी से जल्दी निर्णायक प्रक्रिया स्पीड में हो और जल्दी से जल्दी निर्णय मिले लोगों को। और उसके बाद हमारा फ्री मुफ्त अस्पताल का इलाज भी हो लोगों के लिए, फ्री एजुकेशन हो, ये हमारी गारंटी है मैडम, आपके चैनल के माध्यम से हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि हमारी गारंटी है 100% इस पे काम होगा। रही बात विदर्भ की, तो सबसे पहला मुद्दा हमारा विदर्भ स्वतंत्रता विदर्भ के लिए होगा, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विदर्भ स्वतंत्र हो, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है सबसे पहले आवाज हम संसद में स्वतंत्र विदर्भ के लिए उठाएंगे, सरकार जो भी सत्ता में सरकार होगी उसको हम मजबूर करेंगे विदर्भ स्वतंत्र करने के लिए, क्योंकि उसमें हमारे विदर्भ की जनता का फायदा है। आज 50 साल से ज्यादा हो चुके, पहली पीढ़ी गुजर गई, दूसरी पीढ़ी आ गई है विदर्भ के आंदोलन में स्वतंत्रता के लिए, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही कि विदर्भ स्वतंत्र किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप यहाँ आए और लोकसभा चुनाव के प्रति आपके पार्टी द्वारा बनाई गई रणनीति के बारे में आपने बताया, आपका मैनिफेस्टो क्या है, स्वच्छ और साफ राजनीति करना चाहते हैं आप, आपके पार्टी के द्वारा जो चुनाव में लड़ने के बाद अगर सत्ता में आते हैं तो, ऐसे कई वायदों के साथ जो है भारतीय जवान किसान पार्टी इस लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को, अपने प्रत्याशियों को उतार कर स्वच्छ और साफ राजनीति का सपना देख रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज के चुनावी महासंग्राम 2024 में। वक्त हो चला यही रुकने का, आप देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।